नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज त्यागी। एक तरफ योगी सरकार गौ रक्षा की बात करते नजर आती है, तो वहीं केंद्र सरकार भी लगातार घरों में शौचालय बनाने की बड़ी बड़ी बातें करते दिखते हैं। लेकिन यहां सवाल है, जमीनी हकीकत है क्या? क्या वाकई में सरकार अपनी बातों पर काम कर रही है? क्या सच में योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव की तस्वीर कहीं नजर आ रही है? आज बिग न्यूज में दिखाएंगे आपको इन सभी सवालों का जवाब दे रही सोनभद्र की तस्वीरें, जो आपको हैरान कर देंगी। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें उसी आजाद भारत की हैं जिसकी आजादी को 71 साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश में अधिकारियों और नेताओं की कृपा के चलते अब भी लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं हो रहा। सोनभद्र के पीपरी क्षेत्र की ये जगह ऐसी है जहां लोग नाले का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इस दूषित पानी को पीने वाले जानवर, खासतौर पर गाय जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, लगभग 40 से ज्यादा गाय इस पानी को पीकर मर चुकी है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर गाय के मृत शरीर को देख सकते हैं। ऐसे में जरा सोचिए, इस बस्ती में रह रहे लोग जो रोज इस गंदे पानी को पी रहे हैं, वो किस हाल में होंगे। बस्ती की इन तस्वीरों में आपको पीछे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, वो इंडालकू नामक कंपनी की कॉलोनी है, जहाँ का पूरा सीवेज का पानी इसी बस्ती से होकर गुजरता है। लेकिन आखिर इस बस्ती में रह रहे लोगों का हाल जानने वाला कौन है? क्योंकि जनाब, सरकार तो कारोबारियों की है, बेबस और मजबूर लोगों को देखने और उनकी शिकायत सुनने वाला यहाँ कौन है? वहीं शौचालय का भी यहाँ कुछ ऐसा ही हाल है। सरकार को विज्ञापनों में लाखों रुपए खर्च करना तो मंजूर है, लेकिन इन बस्ती के लोगों के लिए शौचालय पर सोच अब भी जारी है। वहीं जब नगर पंचायत अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह यहां से गुजरे और यहां के लोगों की दयनीय इस दशा को देखा, तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह जगह ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवाया। लेकिन आपको बता दें कि ये क्षेत्र शिव प्रताप जी के नगर पंचायत के अंतर्गत नहीं आता। वहीं आगे भी उन्होंने अपनी ओर से यहाँ के लोगों की मदद करने की बात भी कही। कचरा मेरा करके खुर जो है एकदम खुरपका हो गया है, और इसी तरीके से बीमारी है। कचरे में गायें रहती हैं, बैठती हैं, और इसी वजह से बीमारी की मेन जड़ है, और उसके वजह से मच्छर पनपते हैं जो कि आदमियों को काटते हैं, और सब मलेरिया से परेशान है और आदमी भी परेशान है, सब पूरा टोटल लोग बीमार है। उनको सूचना मिली तो हम लोग मौके पर आए, और ये पत्रकार बंधुओं को भी लेकर के आए, पत्रकार बंधु लोगों को सूचना दिए, तो पत्रकार बंधु लोग भी आए यहाँ, और आज सूचना जाएगी सब लोगों। कम से कम 4-5 दिन के अंदर में 43 मर चुके हैं, और इधर साल भर के अंदर में सैकड़ों गायें मर चुकी हैं, भैंस, और अभी 35-40 के लगभग अभी बीमार पड़ी है। पंप वगैरह नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, नाले में जो पानी बह रहा है उसमें शौचालय का पानी, हिंडालको का यहाँ शौचालय का जो चैम्बर है वो किनारे बना हुआ है, और उससे डायरेक्ट शौचालय का जो मैला है वो बफर के पानी में आता है। एक गाँव खटाल ऐसा है जहाँ 500 की आबादी है, अब तक ना तो यहाँ शौचालय बना है, ना यहाँ कोई बिजली का खंबा आज तक गड़ा। यहाँ अभी तक यहाँ के बच्चों ने अपने घर में बिजली नहीं देखी। ये गटर का पानी है जो इंडालको की सारी गंदगी इसी पानी में जाती है, आप देख रहे होंगे पानी जाता है, और यही पानी, यही का पानी लोग पीते हैं। अब तक 100 से लगभग गाय मर चुकी, यहाँ अभी भी पानी के अंदर एक गाय मरी पड़ी है, यही का पानी लोग पी रहे हैं। नेशन वन न्यूज, जिला संवाददाता सोनभद्र, मनोज सिंह राणा। सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। यहां के लोगों का यह दावा है कि लोग कई बार अधिकारियों के पास जाकर यहां की परिस्थिति के बारे में उन्हें बता चुके हैं, लेकिन नेताओं को तो अपनी मीटिंग से फुर्सत नहीं, और अधिकारियों को दफ्तर की कुर्सियों से चिपके रहना कुछ शायद ज़्यादा ही पसंद है। यही वजह है कि कोई इन लोगों की सुनने वाला नहीं है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर प्रशासन को ये खबर मिल जाए कि माननीय मोदी या फिर योगी जी इस क्षेत्र का दौरा करने आ रहे हैं तो इस जगह की काया पलट करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यानी कि काम तो हो सकता है जनाब, लेकिन अगर यूं ही लोगों के काम हो जाएंगे तो फिर अधिकारियों को कौन पूछेगा। तो ये है सरकार के वादों और बातों की जमीनी हकीकत, जिसे सरकार खुद भी नहीं देख पा रही है। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेशन वन। नमस्कार।